मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में से एक है। हाल ही में इसने अपनी सेवा के बेमिसाल 50 साल पूरे किए हैं। अब रेलवे ट्रेन को वंदे भारत के डिब्बों के साथ अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने वाली इस रेल लाइन पर सबसे तेज गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत 17 मई 1972 को हुई थी। शुरू में ट्रेन में 4 चेयर कार कोच, 1 AC प्रथम श्रेणी और 2 AC स्लीपर क्लास कोच शामिल थे, लेकिन समय के साथ इनमें कोचों की संख्या बढ़ने लगी। देश में पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में हावड़ा और नई दिल्ली के बीच शुरू की गई थी, लेकिन दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली राजधानी पर अधिक ध्यान दिया गया। प्रीमियम ट्रेन को 2003 में उन्नत यात्री सुरक्षा डिब्बों के साथ पेश किया गया था। एंटी क्लाइंबिंग सुविधाओं के साथ लिंक हॉफमैन बुश LHB कोच, जो डिरेलमेंट के दौरान कोचों को एक दूसरे पर चढ़ने से रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम मौतें होती हैं, और उच्च परिचालन गति के साथ शुरू की गई थी। इस ट्रेन से मुंबई और नई दिल्ली के बीच की यात्रा 15 घंटे 32 मिनट की है, जो कि मुंबई और दिल्ली के बीच चलने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन है। शुरुआत में जब ट्रेन को चलाया गया था, तब इसे मुंबई दिल्ली की दूरी तय करने में 19 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा रेलवे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने की अपनी योजना बना रहा है, जिससे कि यात्रा के समय को घटाकर 12 घंटे किया जा सके। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।